वेलकम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल व्यूवर्स। आज मैं आपको बेबी बॉय के कुर्ते का कॉलर कट करना बताऊंगी। ये वाला बेल नहीं है, दूसरा कॉलर है। और व्यूवर्स, बड़ों के लिए बड़ों के मेजरमेंट के साथ कट करना है। ये छोटे बच्चे का है तो व्यूवर्स ये 6.5 इंच का है। तो चलते हैं इसका मेजरमेंट की तरफ। यहाँ से हम इसका लेंगे 6.5 इंचेस पर। यहाँ से इसको स्ट्रेट कर देंगे। यानी 2 इंच, 1 इंचेस में 2-3 पॉइंट कम। अगर इस तरह समझना है तो 2 सेंटीमीटर पर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सारे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर। यहाँ से एक दफा फिर मेजरमेंट कर लेंगे कि एग्जैक्ट आ रहा है 6.5 इंचेस। अब इसको स्ट्रेट कर देंगे। रिवर्स इसका जो साइड का जो पार्ट है इसमें से आगे बढ़ाकर रखना होता है। ये रिवर्स आप पर डिपेंड करता है कि आप राउंड रखते हैं या स्ट्रेट रखना चाहते हैं। तो इसका मैं इस तरह राउंड में बनाऊंगी और 1/2 इंच में 2 पॉइंट ज्यादा लेकर इसकी हम यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है इससे आगे हम लेंगे 2 इंचेस पर। और यहाँ से 1.5 इंचेस पर। अब इन लाइनों को हम सीधा कर देंगे। इस तरह से बाजार वाले जो होते हैं व्यूवर्स बड़ों के, तो व्यूवर्स ये बैंड वगैरह जो हैं ये डबल होते हैं और इस कॉर्नर के लिए छोटे छोटे वो कटे होते हैं। वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जब बड़ों के कपड़े मैं स्टिच करूंगी तो साथ में शेयर कर दूंगी। छोटे बच्चों में इतना मस्त नहीं होता ये। अभी बस यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और व्यूवर्स इस तरह के डबल पार्ट होते हैं बड़ों में, बड़ों में ये डबल होते हैं। इसके ऊपर इसी तरह का हाफ में तिरछा होता है और कॉर्नर के भी 2 होते हैं और एक प्लास्टिक का वो होता है, उसे बाजार से लेना होता है। और अगर आप घर में खुद कट करना है तो सिर्फ आपने बुकरम का ही लेना है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। यहाँ से आप राउंड रखना चाहते हैं या इसी तरह, मैं थोड़ा सा राउंड करके बता देती हूँ, सिर्फ शेप देना बताना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। पहले इस वाले पार्ट की लेंगे और जब भी बस इसको मैं कमीज के साथ ज्वाइंट करूंगी तो इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसको अटैच कैसे किया जाता है। और व्यूअर्स कमेंट में बताइएगा आपको कैसे लगी वीडियो, इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये इस तरह से कुछ आया व्यूअर्स कपड़े के ऊपर। आप इसको अलग अलग करके भी ज्वाइंट कर सकते हैं। मैं एक ही कपड़े के ऊपर इस तरह रख कर पीछे इसका दूसरा फैब्रिक रख कर यहाँ से यहाँ तक ले आऊंगी स्टिच करके। आसान तरीका है, आप अलग से भी इसको और इसको ज्वाइंट करके कर सकते हैं। इसके यहाँ पे जो ओपन साइड होगी इसमें रख कर इसको स्टिच किया जा सकता है। व्यूअर्स, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।